गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और हो गया नेक्स्ट डे और हम जा रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ कार्निवल देखने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना लास्ट व्लॉग में कि यहाँ पे कार्निवल है इस संडे, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, उसके फैमिली के साथ जा रही हूँ और बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। मैं बस रेडी हो रही हूँ और साथ में ब्रेकफास्ट कुछ बना के लेके जा रही हूँ साथ में, बिकॉज काफ़ी दूर भी है वो प्लेस जहाँ पे हमने जाना है कार्निवल के लिए। एंड और क्राउड बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आई डोंट नो वहाँ खाने को क्या ऑप्शन होंगे। रेस्टोरेंट्स भी बहुत फुल होते हैं इस दिन, तो इसलिए कुछ कुछ सैंडविचेस बना के लेके जा रही हूँ कि ताकि ट्रेन में खा सके। तो मैं आपको क्विकली दिखाती हूँ, आलू की स्टफिंग कर ली थी मैंने, पैक करके ले जाऊँगी और ये इसमें बन रहे हैं। तो बस अब मैं होंगी क्विकली रेडी एंड फिर मैं आपको मिलती हूँ निकलते टाइम पे। हाँ जी, तो हो गई हूँ मैं रेडी। मैंने थोड़ा थोड़ा आइस पे कर लिया और या कुछ भी नहीं था मेरे पास, आई डिडंट हैड। मैंने सोचा था कि मैं कुछ क्लोथ्स वगैरह कुछ बाय कर लूँगी जिससे थोड़ा सा ऐसा फील आए कि कुछ डिफरेंट सा डाला हुआ है। थोड़ा स्टैंड आउट करना होता है आज के दिन में, ऐसा होता है तो, बट मुझे टाइम ही नहीं लगा जाने का, तो मैंने जस्ट ये डाल लिया और अपने इंडिया के इयररिंग्स। तो यस, जा रही हूँ मैं स्टेशन, तो दिखाती हूँ मैं आपको क्या करते हैं, कैसा माहौल है। आई नो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। और जहाँ हम जा रहे हैं इट्स लाइक द बिगेस्ट परेड जो नेदरलैंड्स में होती है, तो यस चलते हैं। तो बस हम लोग बैठ गए थे ट्रेन में और ये है मेरे फ्रेंड का बेटा कियांश। बहुत ही ज़्यादा क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट, इतना शांत बच्चा है ना, लाइक लिटरली मतलब बच्चों को देख के जो शांत होते हैं ना, मुझे तो वही अच्छे लगते हैं। तो ये ही इज़ वन ऑफ देम। तो यस, पहुंच गए हम लोग मस्त रिक जहाँ हमें आना था। 2.5 आवर्स ट्रैवल करके आए हम लोग यहाँ पे, तो बस ये बाहर निकले थे और परेड स्टार्ट होने वाली थी। और ये देखो हम लोगों ने ना सबने कुछ कुछ अपने ऐसे हेयर एक्सेसरीज ले ली ताकि कुछ तो लगे कि हमने भी करा हुआ है, क्योंकि अभी आप देखोगे आगे कि लोग कितना ज़्यादा ड्रेस्डअप होकर आया। तो हमने इस बेचारे को भी हेयर बैंड लगा दिया, हम सब ने यहाँ स्टोर से कुछ कुछ ले लिया और ताकि थोड़ा सा भी हम लोग उसका पार्ट बन पाए, तो अच्छा लग रहा था ये लगा के फाइनली। हाँ, ग्रुप्स होते हैं अपने, जैसे फ्रेंड्स के ग्रुप बना लिए उन्होंने, फिर अपने ग्रुप का सारा कुछ। तो यहाँ से होती है परेड स्टार्ट। आपको अभी सारे ड्रेस्ड अप लोग दिखेंगे, उनकी थीम्स दिखेंगी डिफरेंट डिफरेंट। आगे मैंने सारा वो कैप्चर करा है आपके लिए सिर्फ, और ऑफ कोर्स खुद के लिए भी, बाद में देखने के लिए है ना। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए एंड मिलती हूँ फिर मैं आपको थोड़ी ही देर में। बहुत अच्छा कैप्चर करा है बहुत सारे। ये रहा वो स्पॉट जहाँ पे जाके हम लोग खड़े हो गए, ये बेस्ट स्पॉट रहता है परेड देखने के लिए, तो ब्रिज के पास। तो यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू आ रहा था हर चीज़ का। एक चीज़ जो मैं स्पेशली मेंशन करना चाहती हूँ कि लुक एट द एज्ड पीपल गाइस, लाइक इतने ओल्ड लोगों की एनर्जी देखो आप यहाँ पे। मतलब इतनी ठंड थी, हम लोग फ्रीज हो रहे थे, बट लुक एट देम यार, मतलब एनर्जी, डांस और ये बाजे ढोल सब बजा रहे थे, मस्त नाच रहे थे। मतलब इतना अच्छा लगता है ना इनको देख के ऐसे इंजॉय करते हुए कि अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है इनको देख के।
Thank you.
देखिए हमें कौन मिला वहाँ पे। ये आई थिंक इंडिया से ही होंगे जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे इस परेड में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनको देख के वहाँ पे यार, हम लोग बहुत खुश हो गए थे देख के। एंड ये ग्रुप था मेरा फेवरेट ग्रुप सब में से। आप इसका म्यूजिक सुनना और ये लोग क्या इन्जॉय कर रहे थे यार, हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय करा इनके साथ। हम लोगों ने देख लिया कार्निवल और अभी जा रहे हैं वापस। और हमें क्या दिखा अभी, रेनबो कितना सुंदर। भगवान जी भी कार्निवल का तो ये ट्रेन में हम लोग बैठे थे और इसको पता नहीं क्या हुआ, किसकी एक्टिंग कर रहा था, इतना क्यूट लग रहा था और कहता मेरे शेड्स ही डालने हैं और शेड्स डाल के बैठा रहा ट्रेन में। हाँ जी, तो फाइनली मैं घर जा रही हूँ वापस। और एक सेकेंड, हाँ जी, तो घर जा रही हूँ मैं वापस, अपने एरिया में पहुँच गई हूँ। तो आज का जो डे था कार्निवल का, बहुत 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 अच्छा था, बहुत मज़े करे। एंड आई होप आपने भी इन्जॉय करा सारी वीडियोस देख के जो भी मैंने डाली हैं। मैंने एक्चुअली 2019 में अटेंड करा था ये वाला कार्निवल एंड उसके बाद मैं अब गई हूँ एंड तो बहुत ही मज़ा आया। एंड बहुत सारे कुछ खाना पीना नहीं था मैंने, तो हमने खाया पिया तो नहीं, एक जगह रुके थे, हमने पिज़्ज़ा खाया
बियर बहुत चलती है यहाँ पे आज के दिन भी बहुत ज़्यादा। यस आई होप आपने भी इंजॉय करा हो यार, ये लोग क्रेजी लोगों की तरह मनाते हैं। आप तो देख ही रहे हो वीडियो में कि क्या फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था। आई डोंट थिंक हमारे वहाँ पे, मैंने कभी नहीं, शायद इंडिया में किसी जगहों पे होता होगा इतने ज़ोर शोर से जो कुछ सेलिब्रेशन होती है कि हर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। मैंने नहीं देखा कि हमारे वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग इतने एंथुसियाज़म से इंजॉय करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो यस बहुत बहुत मज़ा आया, आई होप आपने भी इंजॉय करा हो। तो यस इसी के साथ मैं ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपको कार्निवल का व्लॉग कैसा लगा एंड और तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू, बाय बाय।